तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संदीप गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस जोधपुर जयपुर डबलिंग स्टेटस के पार्ट टू में। तो एज यू नो, मैंने जोधपुर से लेकर जयपुर तक की जो जर्नी करी थी, जिसमें मैंने आपको जोधपुर से लेकर मेड़ता रोड तक क्या डबलिंग स्टेटस है वो आपको अभी तक बता दिया। इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ मेड़ता रोड से लेकर मकराना जंक्शन के बीच में क्या डबलिंग है, एंड जो CRS हुआ था मेड़ता रोड से डेगाना के बीच, उसके बाद में क्या स्थिति है मेड़ता से डेगाना के बीच में। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी है इस वीडियो के अंदर जो मैं अभी आपको बीच में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू मेड़ता रोड से लेकर मकराना जंक्शन के बीच का। तो 24 दिसंबर को जो CRS हुआ था मेड़ता रोड से लेकर डेगाना के बीच, उस दौरान जो हमारी ट्रेन 25 दिसंबर को मेड़ता रोड जंक्शन जब आई थी, तब यहाँ पर आधा घंटा ऐसे लेट हो गए थे, एंड जो वर्क अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा था इस रूट के ऊपर, जिसके कारण हमारा जो ट्रेन है मेड़ता रोड से डिपार्चर लेते लेते कम से कम 2 से 2.5 घंटा यहाँ से लेट डिपार्चर इसने लिया। तो इसके लेट डिपार्चर से जो आगे की जो पार्ट है, मतलब मखाना से लेकर फुलेरा तक की जो डबलिंग अपडेट है, वो मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि अंधेरा हो चुका था। एंड मैंने इस ट्रेन को जो सेलेक्ट किया था वो इस बेसिस पे किया था कि डे लाइट में मेरे को जो प्रॉपर डबलिंग अपडेट है वो मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो पार्ट 3 में मैं आपको हल्की फुल्की अपडेट देने वाला हूँ, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा। और चलते हैं वीडियो को, अब स्टार्ट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं मेड़ता का बताऊँ, तो मेड़ता पर जैसा आप ये पिक देख सकते हैं कि आगे जो JCB है वो मेन ट्रैक पे अभी भी काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ पर काम बचा हुआ है, जिसके कारण हमारी जो ट्रेन है वो लेट डिपार्ट हुई है। 2 घंटे के पश्चात हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर होता है। डिपार्चर होते ही आप देख सकते हैं जो हमारी ट्रेन है वो मेन लाइन, अर्थात जो पहले जो मेन लाइन थी उसको चेंज करके जो न्यू मेन लाइन है, मतलब डबलिंग के कारण जो मेन लाइन बन गई, उस पर एंटर कर रही है। तो इसका साफ जाहिर है कि CRS के बाद में जो सबसे पहले जो श्री गणेश हुआ वो किया है जोधपुर पूरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। तो ये एक सबसे बड़ी खुश किस्मत है मेरी कि मैंने इस ट्रैक पर सबसे पहले जो ट्रेन दौड़ती हुई देखी है, जिस पर मैंने ट्रैवल किया है, वो जोधपुर पूरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। तो CRS के बाद आप जान चुके हैं कि जो नए ट्रैक पे जो ट्रेन का दौड़ना है वो शुरू हो चुका है, और अभी आप एंजॉय कीजिए मेड़ता रोड से डिपार्चर का। सो फाइनली CRS के बाद में जो ट्रेन है अब यहाँ मेड़ता रोड से लेकर डेगाना तक अब दौड़ना स्टार्ट कर चुकी है। एंड जैसा आपने बीच में थोड़ी आवाज़ लो क्वालिटी में देखी, वो रीज़न ये था कि मेरे फ़ोन में कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, जिस वजह से जो साउंड रिकॉर्ड है वो बार बार ग्लिच हो रहा था। नाउ अब हम बढ़ते हैं मेड़ता रोड से आगे
मेड़ता रोड से आगे की अब मैं सबसे पहले आपको देना चाहूँगा इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट। तो आप जैसे कि देख सकते हैं राइट साइड में ट्रैक के वहाँ पे चैम्बरिंग का जो काम है वो अभी पूरा हो चुका है मेड़ता रोड से लेकर बेगाने के बीच में। तो जैसा कि आपने देखा मेड़ता रोड से जैसे डिपार्चर लेती है हमारी ट्रेन काफ़ी अच्छी स्पीड में स्पीड को कैचअप कर लेती है। लेकिन अभी आपको एक ट्विस्ट दिखाऊंगा, आप जो बीच में इंटरमीडिएट स्टेशन आते हैं मेड़ता रोड से लेकर डेगाना के बीच में उस वक्त। तो मेड़ता से लेकर खेडूली के बीच में आपने देखा जो चैम्बरिंग का काम है वो पूरा हो चुका है एंड खेडूली के आउटर में ही हमको दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस दिखती है जो भी जो डबलिंग के कारण जो भी मेड़ता रोड पर चल रहा था जिसके कारण हम भी लेट हुए थे जिसके कारण ये 2.5 घंटा लेट हुई है अभी। तो जैसे ही हम खेडूली में एंटर करते हैं हमारी जो ट्रेन की स्पीड है वो एकदम स्लो हो जाती है। अब आपके सबके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि डबलिंग ट्रैक कंप्लीट होने के बाद में CRS कंप्लीट होने के बावजूद भी जो स्पीड है वो स्लो क्यों हुई है। तो उसका रीज़न जहाँ तक मैं जानता हूँ ये हो सकता है कि जो लूप लाइन है जो डबलिंग के पास में जो न्यू लूप लाइन्स बनानी थी वहाँ पे जो काम है वो क्या पता अभी पूरा हुआ नहीं है जिस वजह से जो खेडूली है रेण है एंड जालसू है यहाँ पे जो स्पीड है वो एकदम ना के बराबर कर दी गई थी। तो थोड़ा सा वापस बढ़ता हूँ इलेक्ट्रिफिकेशन की। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का जैसा आपने काम देखा है खेडूली के थोड़ी देर पहले ये काम बंद हो जाता है एंड आगे की बात करूँ तो स्टेशन स्किप करते ही जो चैम्बरिंग का काम है वापस आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ना अब आप सबको थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि अब नाइट होने लग गई एंड जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी लो हो जाएगी एंड जो प्रॉपर आपको जो विजन है वो दिखेगा नहीं एंड अभी हम स्किप कर रहे हैं रेन। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है जो स्पीड है यहाँ पे भी गिरी है ट्रेन की। तो रेन के बाद में भी सेम सिचुएशन है चैम्बरिंग का जो काम है वो हो चुका है और अब फाइनली हम आ चुके हैं अपने सेकंड स्टॉप यानी डेगाना जंक्शन पे। तो डबलिंग के चलते जो डेगाना पे जो प्लेटफॉर्म का काम था मतलब जो जिस प्लेटफॉर्म पे ये आने वाली थी ये अब यहाँ पे जो डेगाना पे जब ये आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। ना हमारी ट्रेन अब एंटर कर चुकी है डेगाना जंक्शन पे एंड डेगाना जंक्शन पे एंटर करती आप देख सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जो काम है जो प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है वो थोड़ा सा एक्सटेंड किया है प्लेटफॉर्म को और अभी आप जैसे ये देखेंगे।
तो ये था सीआरएस के बाद का अपडेट जो मैंने आपको अभी दिया, मेड़ता रोड से लेकर डेगाना के बीच में, जिसमें आप देख सकते हैं जो ट्रेन है वो सक्सेस हो चुकी है इस ट्रैक न्यू ट्रैक के ऊपर चलने के लिए। बस अभी जो इंटरमीडिएट स्टॉप्स है वहाँ पे अभी जो ट्रेन है वो नहीं चल पाई इतनी स्पीड में। नाउ अभी रिसेंट की बात करूँ तो रिसेंट में क्या पता अभी चल गई होगी ट्रेन स्पीड में, और जो वर्क है मेरे से डेगाना के बीच में वो भी अभी तक कंप्लीट हो चुका होगा। नाउ अब बात करें डेगाना से लेकर मकराना तक की, तो डेगाना से लेकर जो बोरावट तक है, जो वहाँ पे जो आप सब जानते हैं कि जो डबलिंग का वर्क है वो कंप्लीटेड है। एंड अभी आप जो देख रहे हैं वीडियो, उसमें जो हमारी ट्रैक है वो सेकेंड ट्रैक पर चल रही है, मतलब डबलिंग वाले ट्रैक पर चल रही है। एंड जो इसका CRS है एंड जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी खासी है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। एंड इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करूँ तो मुझे जहाँ तक दिखे गच्छीपुरा के आउटर से जो इलेक्ट्रिफिकेशन के चैम्बरिंग है वो दिखना स्टार्ट हो गई है। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको कह सकता हूँ कि हाँ, डेगाना से लेकर मकराना के बीच में जो इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क है वो थोड़ा बहुत स्टार्ट हो चुका है। नाउ अब हमारी ट्रेन वापस आ रही है अपने मेन ट्रैक पर बोरावड़ के बाद, क्योंकि बोरावड़ के बाद में जो ट्रेन है उसने अभी तक बोरावड़ से लेकर मकराना तक अभी जो न्यू ट्रैक है वो अभी पीछे नहीं है। तो बोरावड़ से लेकर मकराना तक ट्रैक अभी तक इसलिए नहीं पीछे क्योंकि मात्र 2 से 3 किलोमीटर पे जो आपको लैंड फर्टाइल का काम दिखेगा वो लेफ्ट साइड में दिखेगा, बट मकराना के आउटर से ही आपको जो काम दिखने लगेगा वो उसके राइट साइड में होगा। मतलब अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके राइट साइड में जो है वहाँ पर अभी ज़मीन को समतल किया जा रहा है। तो उसका जो रीज़न है वो है मार्बल माइंस। माइंस के कारण जो डबलिंग है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगी मकराना तक। सो मकराना के आउटर से आप एक बार इस पिक पर देख सकते हैं जो अभी ज़मीन समतल का काम है वो अभी इतना ही हो रखा है। तो ये छोटी सी अपडेट थी मेरी तरफ से आप सबके लिए मकराना मेड़ता से लेकर मकराना के बीच में। होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने रिलेटिव्स में ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर न्यू है और ऐसे आने वाले टाइम में ऐसे फ्यूचर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा अब वो होगा मकराना से लेकर फुलेरा तक डबलिंग, एंड मारवाड़ से लेकर जोधपुर तक जो इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क है वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो मिलता हूँ अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।